हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथ स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक, वाइंडिंग नंबर। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग नंबर को। कि लेट गामा बी ए क्लोज्ड कंटूर एंड जेड बी ए पॉइंट नॉट ऑन द पाथ गामा, कि जेड कोई भी पॉइंट जो उस पाथ गामा पे लाए नहीं कर रहा है। देन द इंडेक्स और वाइंडिंग नंबर, इसको आप ईटा से बोल सकते हैं, ऑफ गामा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट जेड इज गिवन बाय द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल है देखिए 1/2πi इंटीग्रेशन, आपको लॉन्ग करना है जो कंटूर गामा है उसका, 1/s-z dS। तो बेसिकली आप देख सकते थे अपने कॉशिज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा हो तो उस टाइप का ही है। यहाँ पे देखिए जेड एक क्या है, कोई भी फिक्स पॉइंट है और इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एस। तो ये आपको क्या देगा, वाइंडिंग नंबर देगा उस क्लोज्ड कंटूर का विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बात देखिए मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली बात करना चाहें तो देखिए ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि द वाइंडिंग नंबर काउंट्स द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ अ पाथ अराउंड द पॉइंट, कि उस पॉइंट के चारों तरफ कितने राउंड्स हैं किसी पाथ के। ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, वाइंडिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर पॉजिटिव ओरिएंटेड कंटूर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर फॉर कंटूर्स विद नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इन तीन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो वर्ड आ रखा है कि पॉजिटिव ओरिएंटेड कंटूर और नेगेटिव ओरिएंटेड कंटूर, ये क्या होते हैं, तो इनको अगर हम देखें पहले कि पॉजिटिव ओरिएंटेशन और नेगेटिव ओरिएंटेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, पॉजिटिव ओरिएंटेशन को अगर पढ़ें कि द बाउंड्री सी ऑफ अ डोमेन इज सेड टू हैव पॉजिटिव ओरिएंटेशन इफ अ पर्सन वॉकिंग ऑन सी ऑलवेज हैज द डोमेन टू हिज लेफ्ट, कि किसी डोमेन की बाउंड्री है ना वो कहलाएगी पॉजिटिव ओरिएंटेशन में। पहली बात कि अगर आप उस बाउंड्री पे चलते रहें और जो आपका डोमेन है वो आपके हमेशा लेफ्ट साइड में रहे तो क्या बोलते हैं कि वो ओरिएंटेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए हम क्लोज डिस्क की बात करते हैं जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर ले रखी हमने, अगर देखिए इसके हम बाउंड्री पर ऐसे चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, वैसे तो उसको नाम दे रखा हमने एंटी क्लॉकवाइज या बोलते हैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज, पर अगर ओरिएंटेशन की बात करें हम तो देखिए अगर आप इस पर खड़े होकर इस तरफ चलेंगे तो आपको देखिए राइट हैंड उस तरफ रहेगा और लेफ्ट वाला इस तरफ रहेगा। तो जो डोमेन का जो पार्ट है, ठीक है, बाउंड्री पे चलते हुए देखिए हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रहने वाला है। यहाँ आएंगे तो देखिए आपका राइट हैंड इस तरफ, क्योंकि आप इस तरफ चलेंगे और लेफ्ट हैंड क्या आएगा देखिए इस तरफ, तो ऑलवेज क्या रहेगा लेफ्ट में। तो इस टाइप ओरिएंटेशन क्या बोलते हैं आप, पॉजिटिव ओरिएंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे चलें देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो देखिए इस तरफ आपका क्या रहेगा देखिए लेफ्ट हैंड, इस तरफ रहेगा आपका देखिए राइट हैंड। अगर आप चलेंगे ऐसे देखिए ऐसे तो राइट हैंड आपका इस तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ओरिएंटेशन और डायरेक्शन क्या लेगी इसकी, क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स देखिए, हमेशा आप नेगेटिव ओरिएंटेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बोलेंगे और ना ही काउंटर क्लॉकवाइज को ऑलवेज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए हम इसकी बात करें देखिए फ्रेंड्स, जो आपका डोमेन, अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका डोमेन क्या है, देखिए ये रीजन है आपका, कौन सा वाला देखिए, ये वाला रीजन आपका क्या है, डोमेन है, जिसको हमने एनुलस बोल रखा है। अगर देखिए आप इस सर्कल की बाउंड्री पे चल रहे हैं, इस सर्कल की बाउंड्री पे चलेंगे ऐसे तो देखिए जो आपको कौन सा देखिए हम नाम दे रखा है सेकेंड, इसको दे रखा हमने फर्स्ट वाला। तो देखिए सेकंड सर्कल के लिए देखिए ओरिएंटेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव ओरिएंटेशन होगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी देखिए, काउंटर क्लॉक, क्योंकि जब इस तरफ चलेंगे देखिए इसके ऊपर तो ये आएगा देखिए इसका राइट हैंड इस तरफ आएगा आपका, लेफ्ट हैंड इस तरफ। तो जो डोमेन देखिए ऑलवेज आपके लेफ्ट में बना रहेगा, तो इसके लिए क्या है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन। अगर आप फर्स्ट वाले जो सर्कल है उसकी बाउंड्री की बात करें, उसके लिए देखिए डोमेन हमेशा है, अगर आप ऐसे चलेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे चलने वाले हैं देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो पार्ट है आपका डोमेन का, अब देखिए ये जो डायरेक्शन है आप इसको अपने क्या नाम दिया था, ऐसे तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पर अभी
पॉजिटिव ओरिएंटेशन बनाएगी, क्योंकि जब इस बाउंड्री पे देखिए चलने वाले हैं तो जो डोमेन ये जो आप लेके चल रहे हैं एनिमल्स वाला, अब वो देखिए हमेशा आपके क्या है लेफ्ट में रहेगा। तो फर्स्ट वाले के लिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया पॉजिटिव ओरिएंटेशन, और सेकंड वाले के लिए हो गया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना, आप कि आप हमेशा क्लॉकवाइज को नहीं बोल सकते कि वो नेगेटिव ओरिएंटेशन है और ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। तो बेसिकली आप बाउंड्री पे चलते रहिए, और डोमेन अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन हो गया, अगर डोमेन आपके राइट हैंड साइड में है तो आएगा नेगेटिव ओरिएंटेशन। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें जो वाइंडिंग नंबर के लिए हम डिस्कस कर रखे हैं, तो देखिए जो ये ए है पॉइंट है, अगर आप देखिए इस सर्कल पे इस जो समथिंग कुछ भी हमने बना रखा है इसके अगर बाउंड्री पे चलेंगे तो देखिए जो रीजन आपका ये वाला जो है जो ऑलवेज देखिए आपके लिए क्या है लेफ्ट हैंड बन रखा है, तो उसके लिए देखिए जो वाइंडिंग नंबर आएगा वो कैसा आएगा, यस पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब देखिए वाइंडिंग नंबर क्या था कि इस पॉइंट ए को कितने जो राउंड है या जो कितना, क्योंकि वाइंडिंग नंबर काउंट्स द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ पाथ, तो इसको देखिए एक ही जो राउंड उसने घेर रखा है तो इसका कितना आएगा देखिए वन, ठीक है गामा का आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू इस, देखिए ये जो कंटूर है ये वाला क्लोज कंटूर ये आपका क्या देखिए गामा, तो विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा वन, तो देखिए बी इस कंटूर का विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि देखिए इस गामा ने तो इसको राउंड कर ही नहीं रखा है, ठीक है तो कितना आ जाएगा ज़ीरो। अब इसकी अगर हम बात करें देखिए तो पॉइंट जो ए के रेस्पेक्ट में है ये तो ये काउंट ये कैसा ओरिएंटेशन है, यस नेगेटिव ओरिएंटेशन है, तो इसलिए कितना आ जाएगा देखिए माइनस वन। बी के लिए तो कितना आने वाला है, यस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि बी तो इसके राउंड में है ही नहीं, ठीक है। अगर देखिए इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स देखिए, तो देखिए जो ये ए वाला जो पॉइंट है ठीक है, इसको देखिए अगर आप ये देखिए एक तो ये है एक्चुअल पूरा ये पूरा क्लोज्ड है, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम बात करें ठीक है, तो देखिए ए के दो राउंड है, एक तो देखिए ए एक तो इसमें आ रहा काउंट हो गया एक ये और एक इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब आपको ओरिएंटेशन देखना है, अगर आप देखिए बाउंड्री पे चल रहे हैं तो देखिए डोमेन हमेशा कौन सा पार्ट यस आपके लेफ्ट में बना रहेगा, अगर आप यहाँ पे भी चलेंगे तब भी क्या है देखिए आपके लेफ्ट में है, तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, प्लस टू क्यों आएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ओरिएंटेशन, और टू क्यों आ रहा है क्योंकि देखिए ए को जो दो राउंड्स हैं ठीक है ना, द वाइंडिंग नंबर काउंट्स द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ पाथ अराउंड द पॉइंट, तो इस ए के चारों तरफ देखिए एक ए इसमें भी काउंट हो रहा है इस वाले राउंड में और ए इस वाले राउंड में भी काउंट हो रहा है। अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए देखिए कितना आने वाला है वन आ जाएगा, क्योंकि देखिए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी ओनली जो ये वाला जो है राउंड कि बी किस वाले राउंड में आ रहा है, ओनली बी है जो इस वाले राउंड में आ रहा है इस वाले में, तो इसका कंटूर का विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वाइंडिंग नंबर कितना आ जाएगा वन, और पॉजिटिव ओरिएंटेशन क्यों आएगा क्योंकि आप ये जो डोमेन आपका है ठीक और आप चल रहे हैं इस वाली बाउंड्री पे तो हमेशा आपके लेफ्ट में है, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये वाइंडिंग नंबर कंसेप्ट समझ आया होगा, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।